गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। और मैं हूं साथियों इस समय अपने घर में, और बाहर का तो आज मौसम कुछ अलग सा अजीब सा बना हुआ है, क्योंकि रात भर जो है रुक रुक कर बारिश आती रही और एक बरसात वाला मौसम बन गया है इस पूरे महीने में। अगर बात करें तो ऐसी बरसात नहीं देखने को मिली, पर देखो अब धीरे धीरे जो है बरसात वाला मौसम आज पूरा बना हुआ है। तो इस समय ना हल्की बारिश भी हो रही है और गांव का माहौल, गांव का नज़ारा तो वैसे भी आप जानते ही हैं कुछ अलग ही होता है, रहन सहन। वैसे आप एक बात बताना कि आपको मतलब कि गांव वाली ज़िंदगी जो है, लाइफ है, वो अच्छी लगती है या फिर शहरों वाली यानी सिटी लाइफ, सिटी में जो लोग रहते हैं वो वाली लाइफ अच्छी लगती है? तो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सब। और अगर आप नए हैं यार मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके थोड़ी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि शुरुआत यूट्यूब पर आप लोगों के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता नाता हमेशा कायम रखने का है आगे भी, और इस तरह मेरा प्रयास रहेगा। और ये देखिए कुछ नज़ारा, फ़िलहाल इस समय तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, नहीं हल्की बारिश ज़रूर लगी हुई है। तो चलो देखते हैं आज दिन भर कैसा क्या रहता है, बट फिलहाल तो पूरा जो है ना अंधी छाई हुई है, ये देख लीजिए पूरे अंधी छाई हुई है, और बारिश भी अब जो है तेज़ आने शुरू हो जाएगी। थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू बैक कैमरे से। ये देखो पूरा अंधी इस समय छाई हुई है, धुंध जो, ये देखो पूरा गांव में, ये देखो। तो अखरोट खुद गिर रहे हैं, अखरोट क्या पेड़ ही पूरा ख़त्म हो गया अब ऑलमोस्ट। देखो आज छोटे भाई ने ये सारी ना अखरोट की लकड़ियाँ जो है ना बिल्कुल जो सूख गए थे, सारी लकड़ियाँ उसने तोड़ के यहाँ रख दी हैं। और ये ऑलमोस्ट बहुत पुराना पेड़ था, लेकिन अब ये ना बिल्कुल ख़त्म पर जा रहा है, क्योंकि सारे इसकी जितनी भी टहनियाँ वो सूख गई हैं। तो चलो अब कुछ देखते हैं क्या बना हुआ है, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद। तो अब ये देखो ये गुटियाँ हैं, इसको गुट्टा बोलते हैं, और ये देखो ये पूरे फूल लगे हुए हैं, अभी लगने हैं बट ये कि पौधे लगे हुए हैं, ये देखो। तो आज ब्रेकफास्ट में बना है यार बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट सब्जी है पम्पकिन, और बहुत ही देख लिया अब जमी बना हुआ है, मम्मी ने बनाया है, और अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स ये आ गई मेरी सब्जी, और चपाती आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो ये आ गई मेरी चपाती। तो फ्रेंड्स ये आ गई मेरी चपाती, ये आप देख रहे हैं ना डब्बा, ये पूरा देसी घी से भरा हुआ है, ठीक है। और मम्मी ना जब से आया हूँ तो मम्मी मेरे को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच खा लिया करो, बट मेरा ना लिटरली बता रहा हूँ घी खाने का कभी कभी मतलब मन ही नहीं करता मेरा। तो आज मैंने सोचा इस सब्जी के साथ ना थोड़ा सा मैं एक चम्मच ना डाल लूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ घर गाँव में तो मम्मी बोलते हैं कि थोड़ा सा लिया करो, एक एक चम्मच खा लिया करो। तो देखो यार नीचे गिर गया, बट ये गिराना नहीं है, मम्मी को पता लगेगी ना तो मम्मी मेरे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो लापरवाही इस तरह की, कभी दूध अगर कहीं गिर जाए, लस्सी गिर जाए, या घी तो मतलब बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, तो मम्मी बहुत मारेंगी मेरे को। तो अब पहले ना इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी आ जाएगी देखेगी तो बोलेगी आज पहली बारी तूने लिया और पहली बारी नीचे गिरा दिया। तो बाकी ये आ गया सिंपल खाना यार, ये देखो सब्जी बनी हुई है, और साथ में अब ये इसको पहले बंद कर लेते हैं, इसको चम्मच, चम्मच बीच में था या वह कैसे था पहले मुझे पता ही नहीं है, शायद बीच में ही था। चलो पहले अब इसको साफ़ करना है, ठीक है, फिर रोटी खाता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब कितना प्यारा मौसम बना हुआ है गाँव का। तो ये है मक्की, और कुछ दिनों के बाद ये पक जाएगी, फिर हमारी ये काम शुरू हो जाएगा गाँव का, यानी मक्की को काटना, उसके बाद फिर इनको कोड़ना, फिर इकट्ठे करने दाने, फिर सब मतलब प्रक्रिया पूरी चालू हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिन जब बरसात रुक नहीं जाती, धूप अच्छी तरह लग नहीं जाती, तो मक्की धीरे धीरे जो है ना पकना शुरू हो चुकी है, बट अभी चाहिए इसको धूप, जितनी धूप तेज होगी अच्छी होगी धूप, तो ये मक्की जो है कुछ दिनों में पक जाएगी, और फिर सारे हम जितने भी आप छोटे छोटे ये पौधे देख रहे हैं मक्की के, तो सारे हम काट के बिल्कुल अच्छे तरीके से इस फसल को, अपने इस साल की फसल जो है मक्की वाली, अपने अंदर पहुँचा देंगे। लेकिन फिलहाल मौसम देखो यार, नज़ारा देखो आप ये। तो फ्रेंड्स अब ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गई मेरी है, लेकिन अब जो है अगले काम की ओर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
इस समय मेरे गांव का मौसम तो आज बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है। हल्की बारिश भी हो रही है, एक बरसात वाली फीलिंग भी आ रही है और कल से नवरात्रि भी शुरू हैं। और चलो फ्रेंड्स, इसी ब्लॉग को मैं आज के लिए तो इतना ही रखता हूँ। कल फिर कुछ सोचूंगा, अगर कोई नई वीडियो बनाने का मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलने आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्ते, जय माता दी, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।